कई बार जो सच निकल कर आता है उसके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं होता। और बिल्कुल आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जो इसके अंदर हुआ वो सच में किसी और दुनिया का लगता है। आप मानेंगे ही नहीं जो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी नहीं चाहते कि जहाँ पर आप बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कोई भूत वूत आ जाए या फिर आपको कुछ ऐसा दिखे जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़े, तो आप प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में पिक में लिख दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। लाइक्स का टारगेट रखते हैं तकरीबन 18,000 का। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाना पड़ेगा और समय आ चुका था सन 1988 यानी कि 1988 का। और यहीं कैलिफोर्निया में ही एक जैकी हर्नांडेज नाम की एक महिला जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसकी एक 4 साल की बेटी भी थी और साथ ही अब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अभी उसको कुछ ही महीनों बाद दोबारा एक बार फिर से बच्चा होने वाला था। लेकिन इसी बीच जैकी की अपने पति के साथ कुछ ठीक नहीं चल रही थी, दोनों के बीच में रोज के लड़ाई झगड़े हो चुके थे। जैसे ही जैकी का पति घर आता उसके साथ मार पिटाई करता, बेशक वो प्रेग्नेंट थी लेकिन इससे उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां पर जैसे ही घर पर आना, गाली वाली देना, उसके साथ मार पिटाई करना, इन सब चीजों से जैकी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो यहां पर उसने सोचा कि क्यों ना वो इस घर को छोड़ दे, बाहर कहीं जाकर और रह ले। वो अपने मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि उनकी लव मैरिज थी और इसी वजह से उसके माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा नाराज थे कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के बिना जाकर शादी करी थी, तो वो अब किस मुंह से अपने घर जा सकती थी। खैर, यहां पर उसने सोचा कि क्यों ना वो कहीं और किराए पर घर लेकर रहने लग जाए और वहीं पर अपने बच्चों को भी पाल लेगी और साथ ही डाइवोर्स का केस डाल देगी, बाद में उसको मंथली खर्चा तो इस अपने पति से मिलता ही रहेगा। ये उसको आइडिया बढ़िया लगा। उसने अपना सारा घर का तामझाम अपने बक्सों में पैक किया और वहां से निकल ली। अब वो अपने घर से बाहर तो निकल चुकी थी लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये रही कि उसने बाहर निकलने से पहले कोई अच्छा घर जहाँ पर वो जाकर रहने वाली थी वो तलाशा ही नहीं, तो मजबूरन उसको सड़कों पर रहते हुए ही लोगों से पूछना पड़ रहा था कि आसपास कोई घर सस्ता घर किराए के लिए खाली है या नहीं, लेकिन उसको कोई घर मिल ही नहीं रहा था। उसने लोगों से मांग मांग कर न्यूज़पेपर्स के अंदर एड्स देखनी शुरू करी जो कि लोग अपने घर की एड्स वगैरह डाल रहे थे और फाइनली सैन पेड्रो के अंदर एक छोटा सा घर जो कि उसकी रेंज में भी था वो उसे किराए के लिए खाली दिखा। ये उसको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ फाइनली वो इस घर के अंदर जाकर रह सकती है। उसने उसके मालिक से भी कॉन्टेक्ट किया और जल्दी इन दोनों के बीच में ये डील हो गई कि हाँ वो महीने के इतना किराया लेगा, अब आप जाकर वहां उस घर में रह सकते हो। जैकी अपने बच्चे के साथ इस घर के अंदर आई और जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, ये घर काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। अब उसे इस घर की साफ सफाई भी करनी थी, अपने बच्चे को संभालना था, खाना पीना भी करना था, अपना सब कुछ मैनेज करना था। लेकिन अब ये परिवार, ये टूटा हुआ परिवार जिसे मैं कह सकता हूं, ये टूटा हुआ परिवार इस घर के अंदर शिफ्ट तो हो चुका था। यहां पर जैकी खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, उसका पति भी अब यहां पर नहीं आने वाला था, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस घर के अंदर अकेली नहीं है, इस घर के अंदर पहले से ही कोई और भी रहता है। और इस बात का एहसास बहुत जल्दी ही जैकी को भी लगने वाला था। जी हाँ, जैसे ही जैकी ने पहली रात इस घर के अंदर बिताई अपने अकेले, वो सब कुछ साफ सफाई करके आराम से अब बैठ चुकी थी, उसने टेम्परेरी अपना बेड वगैरह भी लगा दिया था क्योंकि वो पहले दिन जब वो यहाँ पहुंची थी तो ये घर बहुत ज्यादा गंदगी से भरा हुआ था और उसको साफ सफाई करने में काफी टाइम लगने वाला था। तो जैसे ही वो पहली रात इस घर के अंदर बिता रही थी तभी उसको ये महसूस हो गया कि नहीं, वो इस घर के अंदर अकेली नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये घर झोपड़ी जैसा था। अब आपने देखा होगा कि वहां बाहर के देशों में झोपड़ी जैसे घर बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो ऐसे बीच में वो त्रिकोणी जगह बच जाती है उसे एटिक कहते हैं। और जैसे ही यहाँ नीचे अब जैकी सो रही थी तो उसे ऊपर एटिक से आवाजें आ रही थी, जैसे ठक 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 की कोई ऊपर बैठा हो और इधर उधर ठक ठक कर रहा हो। जैकी ने इस चीज को इग्नोर किया और वो रात तो उसकी आराम से कट गई। आने वाले कुछ और दिनों के अंदर ये जो भी प्रेजेंस इस घर के अंदर मौजूद थी वो अपना एहसास बार बार जैकी को करवा रही थी कि तुम घर के अंदर अकेली नहीं हो। यहाँ आसपास रहते हुए जैकी ने अपने कुछ नए दोस्त भी बना लिए और उन दोस्तों के सहारे भी उसका मन भी लग रहा था, वो अपने दोस्तों को अपने घर बुला लेती। और ऐसे ही एक दिन जब जैकी और उसके दो और दोस्त जैकी के घर पर आए हुए थे, एक उसके साथ किचन के अंदर काम करवा रहा था जबकि दूसरा दोस्त उसका लिविंग रूम में काउच के ऊपर आराम से लेटा हुआ था, वो आराम से सामने टीवी देख रहा था। लेकिन इसी लिविंग रूम के अंदर जो टेबल मौजूद थी और उस टेबल के ऊपर जो पेन का स्टैंड पेन से भरा हुआ रखा था, तभी वो पेन का स्टैंड एकदम से उस बंदे के बराबर में से उठा, अपने आप उड़ा और ग्लाइड करते हुए वो जो किचन की तरफ आया जहां पर जैकी खुद अपने दोस्त के साथ काम करवा रही थी। और इस तरीके से पेन का स्टैंड उड़ता हुआ उसके दोस्त जो कि काउच के ऊपर बैठा हुआ था उसने देख लिया और वो बहुत ज्यादा हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेन का जो स्टैंड है अपने आप कैसे जा रहा है जैकी की तरफ। तभी उसने जैकी को आवाज लगाई कि जैकी तुम्हारा ये पेन अपने आप उड़ रहा है। तब यहाँ जैकी ने भी घूम कर देखा और वो पेन वाला स्टैंड जिसके अंदर सारे पेन भरे हुए थे वो धीरे धीरे कर अब वो उसकी किचन की तरफ आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो किचन तक
पहुंच पाता उससे पहले ही वो अपने आप नीचे जमीन पर जा गिरा और वो क्योंकि कांच का था वो सारा कुछ टूट गया, पेन जो थे वो इधर उधर बिखर गए। जैकी के साथ उसके दो और दोस्तों ने सारा कांड अपनी आंखों के सामने देखा और किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उनके सामने अभी अभी क्या हुआ है। उसके दोनों दोस्त जैकी से पूछने लग गए कि ये क्या था, तुम्हारे घर के अंदर कोई जादूगर है क्या जो इस तरीके से हवा में चीजों को उड़ा रहा है। तब यहाँ जैकी ने कहा कि नहीं, मुझे खुद परेशानी है इस चीज से क्योंकि मैं जब से इस घर के अंदर रहने आई हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर के अंदर अकेली नहीं हूँ। रात को जब मैं सोती हूँ तब मुझे यहाँ घर के अंदर ठक 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 की आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में ऊपर कोई मौजूद है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो मेरे सामने भी पहली बार हुआ है, मैंने भी इसे पहली बार ही देखा है। फरवरी 1989 का टाइम आ चुका था, पिछला जो भी टाइम था वो सब कुछ अब जैकी झेलती आ रही थी। उसके पास मजबूरी थी कि वो कहीं और नहीं जा सकती थी क्योंकि आसपास के जो भी घर थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे, यही मुश्किल से उसे एक घर सस्ता सा मिला हुआ था, तो उसका यहाँ पर रहना एक मजबूरी भी हम कह सकते हैं। खैर फरवरी 1989 में अब काफी टाइम उसको इस घर में रहते हुए बीत चुका था। अब डेली जैसे ही जैकी उठती उसका सुबह सुबह काम होता कि वो अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखती कि क्या उसके बच्चे सही से सो रहे हैं नहीं, कहीं उसको कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। और जैसे ही वो फरवरी के इस महीने में एक दिन सुबह सुबह उठते ही अपने बच्चों के कमरे में गई, उसके बच्चों का कमरे में जो बंकर बेड लगे हुए थे, मतलब कि एक बेड यहाँ एक बेड उसके ऊपर, अब उसको एक छोटा नवजात बच्चा भी हो चुका था तो दोनों के बेड ऊपर नीचे लगाए गए थे। और तभी यहाँ कमरे में जाते उसने दरवाजा खोला, अभी लाइट्स ऑफ थी इस कमरे की, और तभी उसकी नजर बंकर बेड्स के ऊपर गई और दोनों बंकर बेड के नीचे जो जमीन थी उस फ्लोर के ऊपर उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया जिसने लाल कलर की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स डाली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें इस अंधेरे के अंदर बहुत ज्यादा चमक रही थी लेकिन उसकी स्किन दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी स्किन प्रॉपर डार्क ग्रे कलर की थी। और जैसे ही यहाँ जैकी ने वो दरवाजा खोला तभी यहाँ जैकी उसको सामने से देख रही थी, उस आदमी ने भी जैकी को देखा और जैसे इन दोनों की आंखें मिली जैकी बहुत ज्यादा डर गई, उसने जोर से चिल्लाया और तभी उसने लाइट्स भी ऑन कर दी। और लाइट ऑन होते ही ये जो आदमी इस बेड के नीचे अभी लेटा हुआ था ये एक ही झटके में वहां से गायब हो गया। लेकिन वो आदमी तो यहाँ से गायब हो गया था, जाकर सीधा जैकी ने अपने बच्चों को संभाला जो कि बिल्कुल प्यार से आराम से उस अपने बेड्स के ऊपर सो रहे थे। बट यहाँ वो आदमी जाने के बाद इस कमरे के अंदर बहुत अजीब सी एक बदबू छोड़ गया और वो बदबू कुछ ऐसी थी जैसे लाश के सड़ने की होती है, ऐसी बदबू यहाँ इस कमरे के अंदर आ रही थी। जैकी ने इधर उधर देखने की कोशिश करी कि क्या कोई जानवर मरा हुआ है, लेकिन उसको कोई चीज़ वहाँ पर मरी हुई दिखाई नहीं दी, ये बदबू सिर्फ इस कमरे के अंदर ही आ रही थी। जैकी इस कमरे से बाहर निकली, अपने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और उस कमरे को जस्ट खुला छोड़ दिया, जो भी बदबू थी वहाँ से अब निकल जाती। जैकी ने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो कि उसके आसपास के अब काफ़ी सारे और दोस्त बन चुके थे, उन दोस्तों को फोन करके अपने घर पर बुलाया और कहा कि अभी अभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उन दोस्तों ने पूरे घर के अंदर देखभाल करी, पूरे घर को अच्छे से जांचा लेकिन उनको वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी ऐसी अजीब चीज नहीं थी जिसके ऊपर वो शक कर सकते थे। उन्होंने जस्ट कहा जैकी कि तुम्हारा ये सिर्फ वहम हो सकता है, लेकिन नहीं, जैकी यहां पर प्रॉपर श्योर हो चुकी थी कि इस घर के अंदर ऐसा कुछ है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा बट उसको फील जरूर होता है। उसने अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ कर दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं तुम मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं कर रहे बट ये जो दीवारों से जो पानी निकल रहा है, जो अजीब सा पीले रंग का पानी निकल रहा है, तुम लोग इसको देखो, आखिर क्या कोई तुम में से मुझे ये बता सकता है कि ये पानी कहां से आ रहा है? मैंने पूरे घर के अंदर देख लिया, मैंने प्लंबर बुलाकर देख लिया, मैंने हर तरीके से यहां घर की जांच करवा ली, कोई भी पाइप लीक नहीं है, कहीं से भी सीलन नहीं है, तो आखिर ये पानी पूरे घर की दीवारों के अंदर से कैसे टपकता रहता है, तुम मुझे जवाब दो। अब जब उसके दोस्तों ने इधर-उधर देखना शुरू किया कि आखिर ये पानी कहां से आ रहा है, जैकी ने बताया कि वो रोज सुबह अपने काम पर जाने से पहले अपने घर के पूरी दीवारों को अच्छे से साफ करके जाती है और जैसे ही वो अपने काम से लौट कर वापस आती है तभी उसको ये सारा पानी इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी आखिर कहां से आ रहा है? खैर इस चीज का भी जवाब उसके दोस्तों के पास नहीं था, वो दोस्त उसको बस शांत करके वहां से चले गए। जबकि अगले दिन जैकी की काम से छुट्टी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वो घर का थोड़ा सा सारा सामान उठाकर, जो फालतू का सामान है जो कि यूज का सामान नहीं उसका, वो उसको एटिक में रख दे क्योंकि यहाँ बाहर के लोग, ये जो विदेश वाले लोग होते हैं, ऊपर जो त्रिकोणा जगह जो मैंने आपको बताई थी वो त्रिकोणी जगह को यानी कि एटिक को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जैकी ने भी सोचा कि वो सारा सामान ऊपर फालतू का डाल दे। तब उसने अपने स्टोर रूम की तरफ यानी कि एटिक की तरफ वो सीढ़ी लगाई और नीचे से सामान ले जाकर ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। वो पहले चक्कर में ऊपर फेंक कर आई, वापस नीचे आई, दूसरे चक्कर में ऊपर गई, वापस नीचे आई। लेकिन जब वो नीचे आ रही थी तब उसने नोटिस किया कि कोई है जो ऊपर बैठा उसे देख रहा है। अब जब ये चीज उसे महसूस हुई तो उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा तीसरे चक्कर में सामान को फेंकते हुए। खैर वो हिम्मत करके तीसरे चक्कर में भी सामान को उठाकर ऊपर की तरफ लेकर गई और तभी उसका ध्यान
राइट साइड के कोने में गया और जो उसने देखा वो सीधा उसे देखकर नीचे आ गिरी अपनी सीढ़ी से। जी हाँ, ऊपर राइट साइड एटिक के कॉर्नर में बिल्कुल वही आदमी बैठा हुआ था जो कि उसे नीचे अपने बच्चों के बेड के नीचे दिखाई दिया था। और जैसे ही जैकी ने उस आदमी से अपनी नजरें मिलाई, वो आदमी एकदम से गोली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा और उसी चक्कर में यहाँ डर कर नीचे जैकी जा गिरी। और जैसे ही जैकी गिरी, उसे ऊपर अपने एटिक के अंदर खटपट खटपट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी ऊपर एटिक के अंदर भागा दौड़ी कर रहा हो इधर उधर। जैकी बहुत ज्यादा डर गई। उसने अब सोच लिया था कि नहीं, वो ऐसे तो अपनी जिंदगी नहीं काट सकती, उसे जरूर कुछ ना कुछ इलाज इसका ढूंढना पड़ेगा। जैकी सीधा घर से बाहर निकली, पड़ोस में गई। उसकी पड़ोस में एक दोस्त जिसका नाम सुजैन था, वो रहा करती थी। सुजैन को जाकर ये बात बताई कि उसके साथ अभी अभी ये सब कुछ हुआ है। तब यहाँ सुजैन ने उसे आइडिया दिया कि जो टीवी के ऊपर शो आता है द हॉन्टिंग, जो उसकी टीम मेंबर्स हैं, जो उसके क्रू मेंबर्स हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बात करते? वो इधर उधर घूमकर इसी तरीके की जगह को तलाश करते हैं और ऐसी जगहों पर जाकर वो इस चीज का सोल्यूशन करते हैं। जैसे ये बात जैकी ने सुनी, उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उनका नंबर वगैरह निकालती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़े से हाथ पैर मारने के बाद यहाँ जैकी को उनका नंबर भी मिल चुका था और शो वालों से कॉन्टेक्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है घर के अंदर। शो वालों ने टाइम रख दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ दिनों में आकर तुमसे मिलेंगे, तुम तैयार रहना अपना घर दिखाने के लिए। अब ये जो टीम जैकी ने यहाँ पर बुलाई थी, इसके अंदर कुल टोटल 3 लोग शामिल थे। सबसे पहले बैरी टेफ्ट, जो कि अमेरिका के 3000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस में अपने इन्वॉल्वमेंट दिखा चुके हैं। इसके अलावा एक फोटोग्राफर जिसका नाम कॉनरेड था, वो अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के अंदर फोटोग्राफी अपनी दिखा चुके थे। इसके अलावा एक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिसका नाम जेफ था, वो भी इन 3 लोगों की टीम के अंदर शामिल थे। और तीनों ने मिलकर अब प्लान बनाया कि वो जैकी से जाकर मिलेंगे, आखिर देखेंगे कि उसके घर के अंदर क्या भसड़ मची हुई है। 8 अगस्त 1989 का दिन आ चुका था और फाइनली अब ये तीनों लोग जैकी के घर पर गए। और जैसे ही दोपहर के टाइम पर इन्होंने जैकी के घर पर एंटर किया, जैकी भी घर के अंदर मौजूद थी, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला और ये तीनों लोग घर के अंदर आए, तभी इनको एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा। इन्होंने अंदर जाते ही जैकी को ऐसा बोला कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पानी के अंदर खड़े हों, ये घर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। ये तीनों लोग बैठकर जैकी से अब उसके लिविंग रूम में उसका इंटरव्यू करने लगे और यहाँ जैकी बताने लगी कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे जैकी की बातें सुनते जा रहे थे, इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैकी तो यहाँ पर झूठ बोल रही है, वो जस्ट बातें बना रही है। जैकी स्पेशली उसकी जो एटिक थी, उसके घर की जो छत थी, उसके बारे में बात कर रही थी कि वहां पर कोई है। और यहाँ पर बैठा हुआ साइड में जेफ, उसको ये सब बातें बकवास लग रही थी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब यहाँ पर जेफ ने जैसे ही ये कुछ बोला, तब इन तीनों लोगों की टीम ने कहा कि एक काम करते हैं, हम तीनों ही जाकर ऊपर देखते हैं और सबसे आगे जेफ चलेगा। जेफ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरे को मेरा कैमरा दो, मैं भी ऊपर जाकर देखता हूं कि आखिर क्या है। जेफ ने नीचे सीढ़ी लगाई और जेफ अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसने ऊपर जाकर छत से एटिक का दरवाजा खोला, पीछे पीछे बैरी भी उसके मौजूद था, वो भी सीढ़ी के ऊपर खड़ा था, अपनी बारी का वेट कर रहा था। जैसे ही जेफ ऊपर चढ़ता, अब बैरी भी जाने वाला था। जेफ ऊपर चढ़ा, उसने एटिक का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और उसने अंदर जाते अपनी टॉर्च जलाई, अपना कैमरा भी ऑन कर लिया। लेकिन जैसे ही पहली बार उसने अंदर स्टेप रखा था, उसे ऐसा खुद महसूस होने लगा कि नहीं यार, मुझे कोई है जो देख रहा है, मैं उसको नहीं देख सकता, लेकिन हाँ कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और ऐसा महसूस होते ही जेफ सबसे पहले डरा, वो वापस नीचे आने की कोशिश करने लगा। अब बैरी, जो कि वेट कर रहा था सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए, उसने बैरी को कहा कि साइडो साइडो साइडो, मुझे नीचे आने दे, यहाँ कुछ दिक्कत है ऊपर। अब जैसे ये बात बैरी ने सुनी, बैरी साइड हुआ, जेफ उल्टा ही उस दरवाजे को बंद करके सीढ़ियों के सहारे नीचे मेन फ्लोर के ऊपर आ चुका था। लेकिन इतनी जल्दी में वो जब नीचे आया था, तो गलती से जेफ का कैमरा ऊपर एटिक में ही छूट गया, जिससे वो ऊपर की वीडियोस वगैरह बना रहा था, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था। जैसे ही जेफ ने बात नोटिस करी, उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं कैमरा तो ऊपर ही गलती से मेरा गिर गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऐसे में मुझे नहीं पता कि मेरा कैमरा ऊपर कहां पर पड़ा है। तब यहां पर इन तीनों ने डिस्कस किया कि कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ही तो लेके आना है, हम में से कोई भी जाकर ऊपर से एक ले आएगा। तब यहां जेफ ने कहा कि मुझे टॉर्च दो, मैं एक बार देख लेता हूं आखिर कैमरा ऊपर पड़ा कहां पर है। तब जेफ वापस उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, उसने वापस उस एटिक का ऊपर से दरवाजा खोला और अंदर अब टॉर्च चलाकर देखने लगा। तब उसने नोटिस किया उसकी कैमरे की बॉडी, आपको भी पता होगा कि कैमरा 2 हिस्सों में टूट जाता है, उसका लेंस अलग हो जाता है और उसकी बॉडी अलग हो जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही यहां पर जेफ के कैमरे के साथ भी हो चुका था, उसका लेंस एक अलग कोने में पड़ा हुआ था, जबकि उसकी बॉडी इस एटिक के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई थी। और जैसे ये चीज जेफ ने नोटिस करी, उसने बाहर नीचे बोला कि यार मेरा कैमरा तो ऊपर 2 हिस्सों में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने तो उसका ये जो लेंस था वो हटाया ही नहीं। तब यहां पर उन दोनों दोस्तों ने बोला नीचे खड़े कि हो सकता है जब तुम्हारे हाथ से वो कैमरा गिरा होगा तब वो अलग हो गया हो, लेकिन मैं
मैं आपको बता दूं कि कैमरे से लेंस उसका तब तक अलग नहीं होता जब तक या तो बिल्कुल उसको जोर से तोड़ा ना जाए या फिर उसका वो लॉक खोला ना जाए, क्योंकि मैं भी कैमराज यूज करता हूं, मुझे अच्छे से पता है। और तब जेफ ने ऊपर जाने की वापस कोशिश करी, लेकिन जेफ से ऊपर चढ़ा ही नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज है जो उसको वापस नीचे धकेल रही है, इस एटिक के अंदर आने से मना कर रही है। और तब एक बहुत जोर का झटका लगा, जेफ सीधा उस सीढ़ी से नीचे जा गिरा। और जैसे ही जेफ नीचे गिरा तभी इस एटिक के अंदर से बहुत जोर से ठक 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 की आवाजें आने लगी। ये तीनों लोग और साथ में जैकी और उसके दोनों बच्चे भी साइड में सो रहे थे, वो सभी सुन रहे थे कि ऊपर से आवाजें आ रही हैं। और उस टाइम पर यहाँ बैरी ने भी अपना कैमरा ऑन किया हुआ था, और एक बार आप वो फुटेज देख लीजिए जब ये आवाजें ऊपर से आ रही थी और इन चारों का क्या हाल था। कुछ मिनटों बाद ये ठक ठक शांत हो चुकी थी, और फाइनली अब जेफ ने सोचा कि क्यों ना वो ऊपर जाकर अपना कैमरा वापस लेकर आए। उसने दूसरा कैमरा बैरी के हाथ से लिया और कहा कि मैं ऊपर जाते हुए फिल्माऊंगा, जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है हमारी तो समझ से बाहर है, लेकिन मुझे मेरा कैमरा वापस चाहिए है। जेफ ने वापस दूसरा कैमरा पकड़कर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया, वापस ऊपर जाकर एटिक का दरवाजा खोला और अब अंदर अपना मुंह घुसा दिया। लेकिन अब की बार उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। दूसरा कैमरा उसका चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस एटिक के अंदर एंटर हुआ तभी उसके ऊपर एक बहुत अजीब सा धक्का लगा, जिस धक्के को लगते ही वो जो बीम्स खड़े हुए थे जिसके ऊपर पूरी छत टिकी थी एटिक वाली, उस बीम्स के सहारे जाकर लगा और उसके हाथ से वो कैमरा गिर गया। जबकि दूसरी तरफ नीचे सीढ़ी के ऊपर बैरी खड़ा था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो कैमरा पकड़ लिया और अब फिल्माने लगा कि आखिर जेफ के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। जेफ लिटरली अभी उस बीम के साथ चिपका हुआ था, उसकी गर्दन ऐसे बीम के साथ लगी हुई थी। और तभी जेफ ने ऊपर हवा में उड़ना शुरू किया। लिटरली ये सब कुछ फुटेज रिकॉर्डेड है, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देख लीजिए, यहाँ ये असली फोटो है जेफ की, जहां जेफ एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजिशन में उस बीम के साथ आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन यहीं ये सब कुछ नहीं रुका, उसी टाइम जेफ को अपने गर्दन के ऊपर बहुत जोर का प्रेशर फील हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा है किसी पतली सी चीज के साथ, लेकिन ये पतली सी चीज किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। जेफ वहां अंदर खड़े खड़े चिल्ला रहा था कि मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझे मारना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पीछे खड़ा बैरी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था ऊपर जाने से, वो जस्ट जेफ को फिल्मा रहा था। लगभग 30 से 40 सेकंड तक इस तरीके से लड़ने के बाद जेफ ने किसी तरीके से अपने आप को आजाद करवाया, और जैसे वो नीचे आ रहा था भाग के, बहुत ज्यादा वो डर चुका था, वो भाग के नीचे आने लगा, बैरी को कहा साइड हो जाओ बैरी, मुझे कैमरा वैमरा नहीं चाहिए मेरा। और जैसे ही बैरी साइड हुआ और नीचे आकर उसने जब अपने आप को संभाला, तब उसने देखा कि उसके गले में एक तार जिसके ऊपर एक बहुत अजीब सी गांठ लगाई गई थी, वो तार उसके गले में लिपटा हुआ था। ये चीज जैसे ही उन तीनों ने खड़े सामने देखी, जैकी ने, बैरी ने और कैडरोड ने, तब वो चीज उससे पूछने लगे कि तुमने ये चीज कब पहनी। यहां पर जेफ को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके गले में ये तार कहां से आया। ये तार जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही तार था जिससे जेफ का गला दबाने की कोशिश की गई थी। अब यहां मेरा सवाल कि आखिर जेफ का गला किसने दबाया, कैसे दबाया, ये गांठ उस तार के ऊपर किसने लगाई, और वो तार स्पेशली जेफ के गले में कैसे आया। तीनों लोगों ने अब मानना शुरू कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो, इस घर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो हमारी समझ से तो बाहर है, हमें इसके लिए और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। यहीं पर जैकी ने उन तीनों को बताया कि ये सब कुछ तो एक अलग चीज है, यहाँ एक और भी दिक्कत मेरे साथ ये हो रही है, और वो ये कि मैं अपने घर की पूरी दीवारें वगैरह, फर्श वगैरह क्लीन करके जाती हूँ हर रोज सुबह, लेकिन जैसे ही अपने काम से वापस आती हूँ तभी मुझे हर जगह ये पीले रंग का पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर वो फोटो देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसी पानी की फोटो है जो कि जैकी के घर में कैप्चर की गई थी। जब इन तीनों ने पानी देखा, पीले रंग का अजीब सा पानी, तब उनको समझ नहीं आया, हर किसी ने हाथ लगाकर उसको सूंघकर समझने की कोशिश करी कि आखिर ये कैसा पानी है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आखिर आ कहाँ से रहा है। हर जगह इस घर में लीकेज चेक की गई कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं सड़ा हुआ पानी तो नहीं खड़ा, और यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिला, सब पाइप्स ओके थी, सब टूंटियाँ ओके थी, तो आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा था। खैर, इन तीनों ने इस पानी के सैंपल्स लिए और कहा कि कोई बात नहीं, हम पहले इस पानी को चेक करवाते हैं कि आखिर ये पानी है किस चीज़ का। इन तीनों ने एक छोटी सी बोतल में उस पानी को भर के लेबोरेटरी के अंदर सैंपलिंग के लिए भेजा, उसके टेस्टिंग के लिए भेजा, और जो रिजल्ट्स उसके निकल कर आए वो सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले थे। जी हाँ, लैब टेस्टिंग में सामने आया कि ये पानी असल में पानी नहीं है, बल्कि ये तो ब्लड प्लाज्मा है। जी हाँ, खून का प्लाज्मा, जो आपके और मेरे शरीर के अंदर खून है, असल में वो काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है। इतनी बायोलॉजी मुझे आती नहीं है, मैंने सिर्फ 10th तक ही वो पढ़ी है। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब कुछ मिलाकर और साथ ही में प्लाज्मा मिलाकर
यह हमारा खून बनता है। लेकिन यह खून का प्लाज्मा इस घर के अंदर क्या कर रहा था, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। जब यहाँ पर लेबोरेटरी से पूछा गया कि आखिर ये प्लाज्मा किसका है, आप बता सकते हैं, तब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम इतना बता सकते हैं सिर्फ कि ये किसी मेल का है, यानी कि आदमी का प्लाज्मा है। हमको ये नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, हमको ये नहीं पता कि आखिर आया कहाँ से, बस हम तो ये बता सकते हैं कि ये किसी खून का प्लाज्मा है और वो खून किसी आदमी का है। जैसे ये तीनों लोग इस घर से बाहर निकले, जैकी को गुड नाइट करके गए कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो इस घर से बाहर निकले, अपने अपने घरों में चले गए। जैकी अब इस घर में फिर से अकेली थी अपने दोनों बच्चों के साथ। उसी रात सोते हुए जैकी को ऊपर एटिक से बहुत तेज धम 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 की आवाज़ आ रही थी और उसने इन आवाज़ों को फिर से रिकॉर्ड किया, और ना सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि बैरी को कॉल करके वो सारी आवाजें कॉल पर भी सुनाई। 4 सितंबर 1989 का दिन आ चुका था, काफी लंबा टाइम बीत चुका था इस क्रू को इस घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए, और फाइनली बैरी भी सुबह से अब जैकी के साथ ही इस दिन मौजूद था उसके घर में ही, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। शाम के टाइम पर बैरी की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी, वो जैकी के घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। लेकिन उसके जाते ही जैकी ने वापस बैरी को फोन किया, और फोन करते ही उसने कुछ नहीं बोला, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जस्ट वो चिल्ला रही थी कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही हैं। असल में जैकी के घर में जो भी सामान पड़ा था वो सारा हवा में उड़ने लगा, जितने भी चाकू थे, जितने भी प्लेट्स वगैरह, कप प्लेट वगैरह, जो भी कुछ था सामान, वो सारा हवा में उड़ने लगा और वो सारा सामान जैकी के ऊपर हमला कर रहा था। इस चीज़ की आवाज़ बैरी ने कॉल पर सुनी। बैरी ने तुरंत वापस गाड़ी घुमाई और वापस जैकी के घर पर आया और वहां जाकर अंदर देखने लगा कि सब कुछ अंदर तो शांत है, जबकि जैकी कोने में डरी हुई खड़ी है। जैसे ही जैकी से उसने बात करने की कोशिश करी कि आखिर क्या हुआ है, तब यहां जैकी ने बताया कि ये सारा सामान मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। और जब इस चीज़ के प्रूफ बैरी ने मांगे, तब यहां जैकी ने अपने शरीर के ऊपर चोटों के निशान दिखाए, जो कि अभी कुछ मिनटों पहले जब बैरी यहां पर जैकी को छोड़कर गया था तब उसके शरीर पर मौजूद नहीं थे, और जब वापस आकर उससे मिल रहा था तो उसके शरीर पर काफी सारे खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफी सारी चीजों से उसको मारा पीटा गया हो। और ना सिर्फ जैकी बल्कि उसके छोटी सी बच्ची जो कि 4 महीने की अभी पैदा हुई थी, उसकी उम्र सिर्फ 4 महीने की थी, उसके ऊपर भी ये हमले किए गए थे। उसके सिर के ऊपर, उसके माथे के ऊपर काफी सारे चोटों के निशान थे, वो रोए जा रही थी। बैरी ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन कर अपने क्रू मेंबर्स को वापस यहां घर पर बुलाया और कहा कि नहीं, हम जैकी को इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी ही कुछ यहां पर करना पड़ेगा, वरना यहाँ बहुत कुछ अजीब हो सकता है। तब इन चारों लोगों ने मिलकर ये सोचा कि नहीं जैकी, तुम इस घर में तो अब और नहीं रह सकती, तुम यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ इस घर के अंदर आने से ही शुरू हुआ है, और तुम्हें तुरंत इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे कहीं और शिफ्ट होने के लिए। जैकी को ये प्लान समझ में आ गया, क्योंकि उसको अपने बच्चों की भी देखभाल करनी थी, अपनी नौकरी पर भी जाना था, उसकी नौकरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी इन सब चीज़ों से। तब उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी पैकिंग शुरू करते हैं, और उन्होंने सबने मिलकर सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया, पिकअप बुलाकर सारा सामान वहां से लोड भी करवा लिया, और फाइनली अब इस जैकी को इस घर से छुटकारा मिलने वाला था। लेकिन सिर्फ घर से, जो इस घर के अंदर हो रहा था उन सब चीजों से छुटकारा जैकी को दूर दूर तक नहीं मिलने वाला था। जैकी वहां से निकलकर तकरीबन 300 मील दूर सैन पेड्रो के नॉर्थ कोने में आकर एक बड़े सारे ट्रेलर होम के अंदर अब वो शिफ्ट हो चुकी थी, वो उसने किराए पर ले लिया था। और फाइनली यहां पर रहकर जैकी खुश भी थी, क्योंकि उसे अब ये टेंशन नहीं थी कि आखिर वो जो चीजें वहां पर उस घर में हो रही थी वो उसे यहां पर आकर डराने वाली नहीं थी, सिर्फ उसे ऐसा लग रहा था। अप्रैल 1991 का टाइम आ चुका था, और इसी में एक रात को सोते हुए जैकी को एक अजीब सी खरोचने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी मोटर ट्रेलर होम की जो दीवारें थी उसके ऊपर कोई खरोच रहा था, वो भी बाहर से। जैसे ये चीज जैकी ने सुनी, क्योंकि अब ये चीजें काफी टाइम बाद उसके साथ हो रही थी तो उसकी आदत इन सब चीजों को लेकर छूट चुकी थी, उसने सोचा कि बाहर शायद कोई हो सकता है, जानवर वगैरह आ गया हो और उसे यहां इसे भगाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई, वो अपने घर से बाहर गई, उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो जानवर जो भी हो वो इस घर में ना घुस जाए। वो अपनी टॉर्च लेकर उस आवाज की तरफ जाने लगी, और जैसे ही वो धीरे धीरे जा रही थी तभी वो आवाजें थोड़ी दूर होती जा रही थी। असल में वो आवाजें उसके ट्रेलर से नहीं बल्कि साइड में से कहीं से आ रही थी, जबकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ट्रेलर से आ रही हैं। और वो जैसे ही उन आवाजों की डायरेक्शन में गई और उसने अपनी टॉर्च को जैसे ही उस डायरेक्शन में घुमाया तभी उसे वही एक जाना पहचाना चेहरा सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, लाल टी शर्ट, नीली जींस और लाल आंखें, ग्रे स्किन, बिल्कुल वही चेहरा जो कि वो सैन पेड्रो
में अपने पुराने वाले घर में यानी कि 300 मील दूर छोड़कर आई थी। जैसे ये चीज जैकी ने देखी वो बहुत ज्यादा डर गई, वो चिल्लाते हुए वहां से भागी, उसने अपनी टॉर्च फेंकी, सीधा अपने घर में आई, उसने अपना घर का दरवाजा खोला, वापस अंदर से बंद किया और अपने बच्चों के पास जाकर बहुत डरी हुई हालत में उसने अपना लैंडलाइन उठाया और सीधा बैरी को फोन किया काफी टाइम बाद। और जब बैरी ने उसका नंबर देखा कि आज ये क्यों फोन कर रही है, तब बैरी ने फोन उठाते ही कहा कि जैकी बताओ क्या दिक्कत है। तब यहां जैकी ने कहा कि नहीं, हम जो चीजें पिछले घर में छोड़कर आए थे वो वहां छूटी नहीं है, वो अभी भी हमारे साथ ही हैं। जब ये चीज बैरी ने सुनी तो उसने कहा कि नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे खुद आकर देखना पड़ेगा। और जब वो ये बातें बैरी से कर रही थी तभी उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ गया जो कि बेड के ऊपर लेटे हुए थे। उसने देखा कि उनके बिस्तर से, दोनों के ही बिस्तर से, दोनों बच्चों के ही बिस्तरों से धुआं उठ रहा है और उसने चिल्लाकर बैरी को कहा कि मेरे बच्चे खतरे में, उनको किसी ने आग लगा दी है। उसने तुरंत अपना फोन साइड में पटका, वो तुरंत अपने बच्चों की तरफ भागी, दोनों बच्चों को उनके बेड से बाहर निकाला और उसने देखा कि नीचे दोनों ही बिस्तरों पर काफी सारी आग लग चुकी थी। किस्मत से दोनों बच्चों को उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये आग अभी धीरे धीरे सुलगना शुरू ही हुई थी, उससे पहले ही यहाँ जैकी ने इस आग के ऊपर काबू पा लिया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जैकी ने इस आग की भी फोटो खींची थी कि आखिर उस टाइम पर उसके बच्चों वाले बेड के साथ क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1991 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब जेफ और बैरी वापिस अपनी एक छोटी सी वैन लेकर, उसके अंदर अपना सारा तामझाम लेकर, कैमराज वगैरह, लाइट्स वगैरह, और साथ में उन्होंने अब की बार एक उइजा बोर्ड भी रखा था। आपको पता होगा कि उइजा बोर्ड, आपने मेरी वीडियोस में कई बार सुना होगा, असल में ये एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको कोई गेम मत समझ लीजिएगा और ना ही आप इसको कभी खुद ट्राई कीजिएगा। ये असल में एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके की एंटिटीज से, यानी कि जो एनर्जीज होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इन एनर्जीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाने का प्लेटफॉर्म है। अब किस तरीके से बनाते हैं ये मुझे भी नहीं पता और ये कितना सक्सेसफुल है इसके बारे में भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक खुद कभी कुछ किया नहीं है ऐसा। खैर, अब की बार उन्होंने इस वीजा बोर्ड को भी अपने साथ में लिया था और वो सारा तामझाम लेकर अब वापस जैकी के उसी ट्रेलर होम में पहुंच चुके थे। जैकी के घर का दरवाजा वापस खटखटाया, जैकी अंदर बहुत ज्यादा डरी सहमी बैठी हुई थी, उसने दरवाजा खोला, जेफ और बैरी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने आकर समझाया कि आप खुद देखो वापस मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। यहां पर जेफ और बैरी ने उस घर के अंदर बैठकर रात होने का इंतजार किया क्योंकि यहां जैकी ने बोला था कि उसके साथ ये सब कुछ अब रात में ही होता है। लेकिन अब की बार जेफ और बैरी ने पहले ही जैकी को समझा दिया कि हम आज इस एंटिटी से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये चाहती क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों हमें इस तरीके से परेशान कर रही है। रात वैसे उस दिन पूर्णिमा की थी और रात होते ही इन तीनों लोगों ने मिलकर टेबल सेट करी और तीनों टेबल के तीनों तरफ बैठ गए, एक साइड खाली थी और उन्होंने बीच में इस टेबल के ऊपर वो ईजा बोर्ड सेट किया और अब वो तैयारी करने वाले थे इस एंटिटी से बात करने की। स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में तो उन्होंने बहुत सारे इस सवाल इस एंटिटी से पूछने की कोशिश करी कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आई हो, लेकिन सामने से कुछ भी जवाब नहीं मिला। पर कुछ ही मिनटों बाद ये जो टेबल जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे साइड में कुर्सी लगा लगा कर, वो टेबल एकदम से बहुत जोर से वाइब्रेट करने लग गई और फाइनली जो उस क्विज़ा बोर्ड के ऊपर जो स्ट्राइकर रखा हुआ था जो कि इधर उधर हिलकर इस पूरे बातों का जवाब देने वाला था, उसने हिलना शुरू किया और बहुत ही भयंकर एक कहानी निकल कर सामने आई। जी हाँ, जैसे ये सब कुछ हो रहा था, ये पूरा यूज़ा बोर्ड वाइब्रेट कर रहा था, टेबल वाइब्रेट कर रही थी, तब यहाँ बैरी जोर जोर से उस एंटिटी से बात करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा पास्ट क्या है। तब वो जो स्ट्राइकर हिल रहा था वो एक अल्फाबेट से निकलकर दूसरे अल्फाबेट के ऊपर जाता और यहाँ पर इन तीनों को मिलकर वो वर्ड्स नोट करने थे कि आखिर ये एंटिटी उनसे कहना क्या चाह रही है। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी देर तक वो वर्ड्स नोट किए और उसके बाद उनको पता लगा कि सैन पेड्रो के अंदर ही सन 1930 में एक मछुआरे को मारा गया था, उसकी हत्या की गई थी और हत्या करके उसको समुद्र में फेंक दिया गया और उसकी लाश वहां से बहते हुए आगे जाकर सैन पेड्रो की खाड़ी में जाकर गिर गई थी और उसको कभी इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ, वो कहना चाह रहा था कि पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं करी, पुलिस ने कहकर केस बंद कर दिया कि ये प्रॉपर एक एक्सीडेंट है लेकिन उसके साथ धोखा हुआ था। ये प्रॉपर एक न्यूज थी, आप खुद देख लीजिए उस टाइम पर अखबारों में न्यूज छपी थी जब इस आदमी का, जब इस मछुआरे का मर्डर हुआ था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद इन लोगों ने उस एंटिटी से पूछा कि आखिर तुम ऐसी और कितनी शक्तियां हो जो इस तरीके से इस घर के चारों तरफ घूम रही हो। तब उस एंटिटी ने रिप्लाई किया कि तुम एक की बात मत करो, तुम जितनी भी तरफ देखते हो चारों दिशाओं में
हम हर जगह तुमको मिलेंगे, पूरा जो आसमान है इस तरीके की एंटिटीज से भरा हुआ है। और इस चीज का जवाब देते ही बार बार वो जो स्ट्राइकर था इस वीजा बोर्ड के ऊपर JEFF के ऊपर बार बार आ रहा था। अब जैसे ये चीज इन लोगों ने नोटिस करी, जेफ साइड में ही बैठा था, उसका ध्यान गया कि जेफ तो मेरा नाम है, आखिर स्ट्राइकर बार बार मुझे क्या कहना चाह रहा है। तब उसने पूछा कि हाँ हाँ बताओ, तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो। तब उस स्ट्राइकर ने आई हेट यू का सेंटेंस बनाया। यहाँ जेफ बहुत ज्यादा डर गया, उसने पूछा कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तब उस एंटिटी ने रिप्लाई किया कि जिसने मेरा मर्डर किया था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ल का था, इसलिए मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है और जब भी तुम मेरे पास आते हो मेरा मन करता है मैं तुम्हारी जान ले लूं। और लिटरली उस टाइम पर जो वो तार वाला हमला किया गया था जेफ के गले में डालकर, वो जेफ के ऊपर इस एंटिटी द्वारा जानलेवा हमला था। उस टाइम पर अगर जेफ अपने आप को ना बचाता तो ये एंटिटी उसकी जान लेकर ही मानती। जैसे ही इस चीज के बारे में तीनों लोग सुन रहे थे तभी जेफ जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था उस कुर्सी से वो ऊपर हवा में उठा और बहुत झटके के साथ इस ट्रेलर होम की दीवार में जाकर लगा। उसकी कमर पे बहुत गहरा निशान भी बना चोट का। वो जैसे ही वहां दीवार पर जाकर लगा नीचे जाकर गिरा और वो खड़ा भी हो गया। उसने अपनी कमर देखी पीछे से, वो कई जगहों से छिल चुकी थी क्योंकि पीछे जो दीवार में चीजें लगी हुई थी वो सारी उसके कमर में आकर लगी। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था, ये सब कुछ कौन कर रहा था? जेफ ने सुबह होने का इंतजार किया क्योंकि उसे सुबह होते ही सबसे पहले एक काम करना था और वो काम ये था कि उसको वो न्यूज निकालनी थी 1930 के अखबारों से जब इस मछुआरे के साथ ये काम हुआ था। जी हाँ, वो सीधा लाइब्रेरीज में गया, अलग अलग अखबारों के दफ्तरों में गया, जाकर 1930 के सारे अखबार छान मारे उसने और फाइनली उसे वो न्यूज मिली। सन 1930 के दिसंबर महीने में एक 30 साल के मछुआरे की हत्या की गई थी और उसको पुलिस ने एक एक्सीडेंट बता दिया था। लेकिन यहां पर उस मछुआरे के साथ असल में क्या हुआ था वो तो अब पता चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा था यहाँ पर, वो मछुआरा अब बदला क्यों ले रहा था, वो भी जेफ के साथ? तो आपको पता है कि जेफ उसके जैसा दिखता था जिसने उस मछुआरे का कत्ल किया था। असल में उस मछुआरे का नाम हरमन हेंड्रिक्सन था और वो भी एक आम मछुआरा इसी सैन पेड्रो इलाके में रहा करता था। वो मछुआरों के साथ जाकर समुद्र में अलग अलग मछलियां पकड़ता था अलग अलग इलाकों में। लेकिन एक दिन उसके ही दोस्तों ने, जैसा कि उसने बताया अपनी स्टोरी में, एक दिन उसके ही दोस्तों ने मिलकर उसकी ही हत्या का प्लान बनाया और उसको समुद्र के बीच में ही काट कर समुद्र में फेंक दिया, जबकि बाहर आकर बताया कि हरमन तो डूब चुका है। अब क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं थे कि आखिर ये कोई काम कर सकता है नहीं, क्योंकि उसकी लाश ही नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस वालों को ये कहना पड़ा कि वो एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट में हरमन की जान चली गई। तब यहां जेफ और बैरी को एक चीज समझ में आ गई कि उनको इस केस की पूरी तह तक जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने लिटरली अपने साथ जो जो कुछ भी हुआ, वो सारी फोटोज़ जो उनके पास थी, वीडियोज़ उनके पास थी, उनको पब्लिक में दिखाना शुरू कर दिया और स्पेशली बड़े बूढ़ों को। जी हाँ, जो कि तकरीबन 1990 से 60-70 साल पुराने थे, उनको, क्योंकि इस न्यूज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा, उनको पुराने ज़माने का अंदाज़ा होगा। और जैसे जैसे वो लोगों को ये फोटोज़ और वीडियोज़ दिखा रहे थे, तब यहाँ उन्होंने जैसे ही काफ़ी सारे लोगों को वो तार वाली फ़ोटो दिखाई, जो तार यहाँ जेफ के गले में डाला गया था उस एंटिटी द्वारा उसकी जान लेने के लिए, और जैसे ही वो तार वाली फोटो लोगों ने देखी, जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने देखी, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो गांठ इस तार के ऊपर लगाई गई है ये आज की गांठ नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम में लोग इस्तेमाल किया करते थे, और ख़ास तौर पर मछुआरे अपने जाल को बांधने के लिए, या फिर एक स्पेशल ट्रिक होती है मछली पकड़ने के लिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये खास तरीके की गांठ सिर्फ मछुआरे लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। और आज के टाइम में आते आते, यानी कि 1991 तक आते आते, इस गांठ का चलन प्रॉपरली बंद किया जा चुका था। लेकिन एक गांठ लगा हुआ तार जैकी के पुराने घर में कहां से पहुंचा? ऑब्वियसली वो एंटिटी जिस मछुआरे की थी उसको वो सब कुछ याद था जो अपने जन्म के दौरान, अपने जिंदगी के दौरान करता आया था, और उसी ने उस तार को उठाकर उसकी गांठ लगाई, वही गांठ जो कि वो अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल किया करता था। तब यहाँ जैकी को बैरी और उसके ग्रुप ने मिलकर जैकी को ये आइडिया दिया कि नहीं, तुम यहाँ से भी निकलकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, हम देखते हैं कि हम तुम्हारी मदद किस तरीके से कर सकते हैं। जैकी वहाँ से निकली और अब की बार वापस सैन पेड्रो में आकर एक अलग छोटे से अपार्टमेंट में, जो कि पूरी बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे के अंदर उसने अपना शिफ्ट कर लिया और वहीं पर वो आराम से रहने लगी। लेकिन वो एंटिटी अभी भी जैकी के पीछे पड़ी हुई थी, वो उस अपार्टमेंट में भी जैकी के पीछे पीछे आ पहुंची। लेकिन जैकी को अब इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, उसने इस एंटिटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो जस्ट देखती रहती कि उसके कमरे में ठक ठक हो रही है, काफ़ी सारे साए हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो उसको हार्म नहीं कर रहे। तब यहाँ जैकी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो उनसे बात करने की कोशिश करे। उसने काफ़ी बार नोटिस किया था कि उसके घर की जो गैस चूल्हा है वो अपने आप जल जाता है, जबकि वो जलाती नहीं है, बच्चों को उसके जलाना नहीं आता, तो ये गैस चूल्हा आखिर जलता कैसे है? ऑब्वियसली वो एंटिटी ही जलाती
आती है। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो इस गैस चूल्हे के पास खड़े होकर ही एक पेपर के ऊपर लिख कर वो पूछे कि आखिर वो एंटिटी है कौन और कहाँ से आई है और क्या चाहती है। लेकिन जैसे उसने ये सब कुछ चीज़ें पेपर के ऊपर लिख कर गैस के ऊपर वो रखा, तभी गैस अपने आप चालू हुई, वो पेपर उड़ा और सीधा गैस के ऊपर आकर जल गया। आग के अंदर जलकर राख हो चुका था। इसका मतलब क्या था ये आज तक समझ नहीं आया। जैकी ने आकर पूरी दुनिया के सामने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, अपनी सारी चीज़ें बताई जो जो उसके साथ होती आ रही थी। उसने कहा कि अगर किसी को ये चीज़ें फील करनी है तो वो मेरे अपार्टमेंट में आकर फील कर सकता है। आज भी जैकी दूसरे घर में शिफ्ट हो चुकी है और आज भी उसके साथ ये चीज़ें सब कुछ होती हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल के ऊपर। अब उसने इन चीज़ों के अंदर एडजस्ट होना सीख लिया है और वो आज थोड़ी बहुत, मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत कंफर्ट लेवल में रह रही है। उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, वो सारे नौकरी पेशे वाले हो चुके हैं। जैकी अब खुद रिटायर होकर अपने एक घर के अंदर रहती है। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल ये हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होती हैं क्या? मुझे आपसे जवाब जानना है। होती है नहीं ये तो मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ बातें की हैं, मैंने आपको भी उनकी रिकॉर्डिंग्स पहले मेरी और उनकी रिकॉर्डिंग्स पहले मेरी वीडियोस में सुनाई हैं। तो वो मानते हैं कि हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज तो ज़रूर होती हैं, एनर्जीज होती हैं ये तो मैं भी मानता हूँ। एंटिटीज होती हैं या नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे अभी तक तो नहीं है। दूसरा सवाल, जैकी के साथ ये सब कुछ जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या था? आखिर उस मछुआरे की स्टोरी क्या थी जिसने आकर जैकी को इतने लंबे टाइम तक परेशान किया और आज तक भी परेशान करता रहा है? क्या ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है? कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? अगर हाँ तो आप मुझे अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर बता सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आइडियाज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट संतोष परियार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।